अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च आलू की सब्जी। हाफ कप तेल गरम हो गया है, फ्लेम मैंने लो कर दिया है। 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे इसमें। ये मैंने ली है 2 मीडियम साइज कटी हुई ऑमलेट स्टाइल में प्याज है। ये 4 बड़ी बड़ी कलियां हैं लहसुन की, चॉप कर दी है। और 4 हरी मिर्चियां भी मैंने इसमें ही चॉप कर दी है। ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा नमक ऐड कर देंगे इसमें और प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। एक बादियान का फूल भी इसमें ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लिया। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून धनिया पाउडर भरकर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। हाफ टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। हल्दी कम लग रही है, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। ये 2 मीडियम साइज आलू मैंने काट दिए हैं ये साइज में, और ये 3 मीडियम साइज शिमला मिर्च काट दी है बड़ी बड़ी, धो दिया है इसको। पहले मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। दो तीन मिनट तक भून देंगे इसको। एक मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। टमाटर गलने तक भून लेंगे। देखिए मैंने इसको भून लिया है, टमाटर गल चुके हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसको लो फ्लेम पे रख देंगे ढककर आलू गलने के लिए। देखिए 10 मिनट में आलू गल चुके हैं। ढककर रखा था इसको मैंने। आपका अगर आलू नहीं गला हो तो आप 5 मिनट रख लीजिए। मेरे आलू गल चुके हैं। अब मैं इसमें मेरी शिमला मिर्च जो है 3 मीडियम साइज में ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्ची और लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो वापस से हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए शिमला मिर्च गलने के लिए। 5 मिनट बाद खोल देंगे।
क्योंकि सब्जी एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। शिमला मिर्च आलू की सब्जी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।